हे गाइस, माय नेम इज शाकिब और आप देख रहे हो techube.com। सो गाइस, इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूँ आप कैसे अपने एक रियलमी डिवाइस को मैन्युअली अपडेट कर सकते हो। सो बेसिकली गाइस, रियलमी क्या करता है कि अपडेट देने से पहले अपने ही फॉरम पे, अपने ही ऑफिशियल पेज पे आपको मैन्युअली अपडेट करने का ऑप्शन देता है सारे यूजर्स को, जिससे आप अपडेट कर सकते हो ऑफिशियल अपडेट से पहले। सो इस वीडियो में आपको यूज़ कर रहा हूँ रियलमी U1। बहुत ही अच्छा फ़ोन है गाइस, और इसका आपको अनबॉक्सिंग और क्विक हैंड्स ऑन मैंने अपलोड कर दिया, तो आप इसको चेकआउट भी कर सकते हो। वैसे चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जाना पड़ेगा realme.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो गाइस, realme.com पे आने के बाद आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में जाके आप जाइएगा सपोर्ट में, और सपोर्ट में जाने के बाद आपको खुलेगा यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन। सो यहाँ पे आपको जो एक ऑप्शन है सॉफ्टवेयर अपडेट्स का, यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, पाँचवें नंबर पे है। सो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे सारे डिवाइस रियलमी के मिल जाएंगे। रियलमी U1 है, रियलमी C1 है, रियलमी 2 प्रो है, और इन सारे के जो भी लेटेस्ट अपडेट है, फर्मवेयर अपडेट्स हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे रियलमी U1 सबसे ऊपर ही है, कलर ओएस 5.2.1 है, ये वर्जन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, रिलीज डेट है 19 तारीख को यहाँ पे मैनुअली अपडेट कर दिया गया था, और आज 25 जनवरी है, और 1.89 GB का ये अपडेट है। सो यहाँ पे आपको डाउनलोड के बटन, यहाँ पे डाउनलोड करते ही, क्लिक करते ही डाउनलोड शुरू हो जाएगा, और मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही इसे डाउनलोड कर रखा है। सो गाइस, फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जाना है अपने फाइल मैनेजर में। सो मैं फाइल मैनेजर में चले जाता हूँ अपने, और उसके बाद आपको नेविगेट करना है अपना डाउनलोडेड फोल्ड फाइल। तो यहाँ पे आपको डाउनलोडेड फाइल मिल जाएगा फ़ोन स्टोरेज के डाउनलोड सेक्शन में। सो डाउनलोड सेक्शन में चले जाते हैं पहले, और नेविगेट कर ले। तो देखिए, ये रहा RMX, जो वर्जन का नेम रहेगा उसी नेम से आपके यहाँ पर फाइल रहेगी। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और इसको करना है कट, और बैक जाके इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पे मैंने सिंपली पेस्ट कर दिया है। इसके बाद कुछ नहीं करना, बस आपको टैप करना है इसके ऊपर, और फिर आपको यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आएगा कि आपने आप जितने भी डाटा है आप उसको बैकअप कर लीजिए। वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, बैकअप करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बैकअप करना तो कर सकते हो इनकेस अगर कोई इमरजेंसी या फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है तो। वैसे मैं अपडेट का बटन है यहाँ पे, तो अपडेट क्लिक कर दूँ, तो यहाँ पे आपको सिस्टम अपडेट लिख देगा। सो वेट कीजिए, अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट, ये डिपेंड करता है कितना बड़ा फाइल है आपका। सो उसके हिसाब से अपडेट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे अपडेट शुरू हो गया है। सो यहाँ पे कुछ कुछ लिख रहा है, रिकवरी मोड चाहे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो अपडेट होना शुरू हो जाएगा। सो गाइस, अप्रॉक्स 3 मिनट के बाद आपको यहाँ पे अपडेट कंप्लीट हो चुका है, और मोबाइल बूट होना शुरू कर दिया गया है। और मेन बात यह है कि आपको नया रियलमी का लोगो यहाँ पे दिख रहा है, जो कि बहुत ही मस्त लग रहा है मेरे को। आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बता दो। सो गाइस, फाइनली अपडेट कंप्लीट हो चुका है इसका। सो आपको मैं दिखा देता हूँ सेटिंग में जाके इसका, एक सेकंड, कुछ पंगा हो रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, सो सेटिंग में जाते हैं, और इसका जो है थोड़ा सा मुझे लैग फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, शायद अभी नया नया अपडेट हुआ है तो कुछ ना कुछ पंगा होगा। सॉफ्टवेयर अपडेट्स में जाता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके। दिस इज़ ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे लिख रहा है, और इसका मतलब है कि अपडेट कंप्लीट हो चुका है। सो मैं आपको भी दिखा देता हूँ ठीक से। थोड़ा मैनुअली अपडेट ऐसे ही करते हैं, आपको आप भी आराम से कर सकते हो, बहुत कोई पंगा नहीं है इसमें। सो बस इतना ही कुछ था इस वीडियो के लिए, आई होप का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, जय हिंद। और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को अच्छा लगे तो, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।